यार समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी शर्ट पहनूं। अरे कितनी तो अच्छी है रेंजी, आप भी ना लड़की वाले नखरे कर रहे हो। नहीं जीविका, तुम समझ नहीं रही, ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव टू लुक नाइस। अरे काम करता हूं, मैं विराट से जा रेंजी, आप विराट को मिस कर रहे हैं ना? मुझे पता है आप किसी को बताते नहीं, लेकिन आपको विराट की बहुत याद आती है ना। काश आज वो भी हमारे साथ पार्टी में चलता, उसे पार्टीज कितनी पसंद है ना। नहीं क्या है ना, शहर के सारे वीआईपी लोग आएंगे, कुछ अच्छे कपड़े पहनता हूं। ये भी बेकार है, भाई ने मुझे एक येलो शर्ट दी थी, वो पहनता हूं। यस काम ये रही। और भी शर्ट मैं वो पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा। अरे भैया इन फूलों को दबाना मत, फूल पता है कितनी नाजुक चीज होते हैं, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लगाइए। और लड़ियां तो आपने यहाँ तो ठीक लगाई, पर उधर जितनी भी लड़ियां लगाओगे ना, थोड़ा डिस्टेंस दे दे के लगाना, अच्छी लगेंगे। अरे काहे का डिस्टेंस, कोई बीच में से ट्रक थोड़ी दौड़ानी है। चलो करीब करीब लगाओ, करीब लगाने से अच्छा दिखेगा। देखिए आप मेरे काम में ना ही दखल अंदाजी करें ना, तो बेटर होगा प्लीज। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ी इंटीरियर डिजाइनर हो। तुम्हें पता है बॉस ने इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है। और तुम्हें पता है तुम्हारे उसी बॉस ने इस पूरी डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, तो अब आप जाओगे प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, सारे सिंगर आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ा जल्दी आगे, ठीक है उसका भी टेस्ट ले ही लेते हैं। उसको जाके बोलो कि वेटिंग रूम में बैठे। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, मैनेजर साहब ने आपको वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा है। दीदी मेरा पता नहीं क्यों पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा है, सोच रही हूँ घर में ही आराम कर लूँ। नहीं भाभी जाना तो हमें होगा, और फिर मिस्टर सांगियो कितना रिक्वेस्ट कर रहे थे, और फिर वो बाऊजी के पुराने क्लाइंट है। बाऊजी ने भी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कहा था कि पूरे परिवार को वहां शरीक होना है। पूरा परिवार तो वैसे भी कहा जा रहा है पार्टी में दीदी, विराट और मानवी तो नहीं जाने वाले हैं ना, तो वैसे भी यही रहने वाले हैं। यस, अब लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट। हाँ बस ठीक ठीक ही है, कोई इतना टॉप भी नहीं है। क्या है ना एक्चुअली कुछ लोगों को ना तारीफ करने में थोड़ा टैक्स लगता है। एनीवेज अपने बॉस से जाके कह दीजिएगा कि सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं और मैं जा रही हूँ। आप इतनी जल्दी कैसे जा सकती हैं, अभी पेमेंट की बात तो हुई नहीं। पेमेंट की बात आपके बॉस से हो चुकी है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है उसे भूल जाइए, पेमेंट मुझे करनी है। आप करेंगे, कोई बात नहीं लाइए दीजिए, मुझे तो अपनी पेमेंट से मतलब है, कोई भी करे। हाँ हाँ जरूर करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी देर आप आ जाके वेटिंग रूम में बैठिए, मैं वहीं आता हूँ। देखिए मैं कोई वेट वेट नहीं करने वाली हूँ, मुझे अपने घर पहुँचना है। देखिए अगर आपको पेमेंट चाहिए तो चुपचाप वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाइए, समझिए आप। अरे पर एक्सक्यूज मी, ये गेस्ट रूम किधर है? मैडम आगे से राइट। राइट, थैंक यू।
मिस्टर ग्रे। बाय। एक्सक्यूज मी सर। हेलो विरेन। हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग। और तुम्हारे दादाजी मिस्टर वधेरा नहीं आए? आई एम सो सॉरी, दादाजी को किसी अर्जेंट काम से ऑस्ट्रेलिया जाना था इसलिए वो निकल गए, लेकिन मेरा पूरा परिवार है, ये मेरी धर्म पत्नी जीविका, चाचू को तो आप जानते हैं। हाय। ये बड़ी माँ। नमस्ते। नमस्ते। वैसे तुम्हारा एक छोटा भाई भी है ना, आज आया नहीं आपके साथ? दरअसल मिस्टर सांघवी वो अपनी वाइफ के साथ वकेशंस के लिए गया हुआ है। ओह कूल। आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। और मिस्टर केशव, ये हमारे खास मेहमान है, प्लीज सी टू इट कि इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भैया सर, माय प्लेजर, प्लीज कम। हेलो मानवी, तुमने खाना खाया? नहीं अभी तक तो नहीं। किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हो? देखो मानवी, तुम खाना खा लो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके अच्छा देखती हूँ। क्या देखती हूँ? मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ ना, खाना खा लो, मुझे आने में लेट हो जाएगा, प्लीज खाना खा लो। ठीक है विराट। ओके आई सी यू, बाय। Excuse me, ma'am. इसमें सिंगर बैठे हुए, आप नेक्स्ट रूम में चले जाइए। उधर? Yes, ma'am. Okay. Thank you. मैनेजर साहब ने कहा है म्यूजिक सेटअप रेडी कर लीजिए, सारे गेस्ट आ चुके हैं। ओके माते। ओके सर। कौन गाइस? ये मैनेजर ना एक नंबर का इडियट है। अरे फालतू में यहाँ बिठा के रखा है मुझे, घर जाना है यार। अब तो थोड़ी देर में विराट भी वापस आ जाएगा, जाके बोलती हूँ फटाफट मेरे पैसे दे, ऐसे कब तक बैठी रहूंगी। अरे ये तो कपूर अंकल है, दादाजी के क्लोज फ्रेंड, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया ना तो फौरन घर पे खबर कर देंगे, बच के रहना होगा इनसे। बाप रे। ये मैनेजर किधर चला गया? Thank you.
यहाँ? मनु, तू यहाँ? मैं तो यहाँ पूरी फैमिली के साथ पार्टी अटेंड कर रही आई हूँ। पूरी फैमिली? बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था दी। मैं यहाँ पे ये पूरी डेकोरेशन देख रही हूँ। आपको बताया था ना अपने जॉब के बारे में, वो फ्लावर शॉप पे। वो मैनेजर कहीं नहीं दिख रहे दी। मैं बस उस मैनेजर से अपनी पेमेंट लेने के लिए रुकी हूँ। अपनी पेमेंट लेते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन आप प्लीज घर वालों को मत बताना मैं यहाँ आई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे हर पार्टी में एंटरटेनमेंट का लेवल बहुत ऊंचा होता है। आज भी आपका दिल बहलाने के लिए मैं एक नया और उभरता हुआ कलाकार ले आया हूँ, जिसे आपने टेलीविजन पर तो देखा होगा, आज रियल लाइफ में भी देखिए। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस नए और उभरते कलाकार का। हे भगवान, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अब इनके सामने मैं कैसे गाऊंगा? नहीं, ये मेरा काम है और मुझे गाना ही होगा। दी, विराट, विराट भी यहाँ पे? मुझे तो पता ही नहीं था और मैंने उसे अपनी जॉब के बारे में भी कुछ नहीं बताया हुआ थी। उसने मुझे यहाँ देख लिया ना, ये बहुत गुस्सा हो जाएगा और मैं पेमेंट लिए बिना भी नहीं वापस जा सकती। मेरा बॉस बहुत गुस्सा हो जाएगा दी, मैं क्या करूँ? तू घबरा मत, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे ना। गॉड प्लीज मुझे हिम्मत दो कि मैं अपना गाना कंप्लीट कर सकूं। प्लीज, इतनी मुश्किल से मुझे कुछ पैसे कमाने का मौका मिला है, उस पे पानी मत फेरो भगवान। प्लीज भगवान, प्लीज। मैनेजर दी, मैं अभी जाकर उससे अपनी पेमेंट ले लेती हूँ, यहाँ से निकलती हूँ। मैनेजर साहब, एक मिनट आइए ना प्लीज, आइए। अब तो मेरे पैसे दे दीजिए, कितने देर से वेट कर रहे हो तुम यहाँ पार्टी में कैसे आई? मैंने तुम्हें वो अंदर वेट करने के लिए कहा था ना। अरे हाँ, तो कब से वेट कर रही हूँ, एक घंटा हो गया। अब मेरी पेमेंट दीजिए, मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है। अरे पैसे तो छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी पार्टी में एंटर करने की? 2% की सेल्स कल होके तुम इतने सारे वीआईपी गेस्ट के बीच में, अब तुम्हें पेमेंट नहीं पनिशमेंट मिलेगी, समझी? चलो कौन हो तुम मुझे पनिशमेंट देने वाले? हाथ छोड़ो मेरे, हाथ छोड़ो भी क्यों? ये क्या कर रहे हो? एक औरत के साथ कोई इस तरह बदतमीजी करता है क्या? छोड़ो इसका हाथ। अरे मैडम, आप नहीं जानती इन जैसी औरतों को, एक नंबर की नौटंकीबाज होती है। चलिए चलो इधर निकलो यहां से। छोड़ो, मैंने आपसे कहा ना, छोड़िए इसे। जरूरत कैसे हुई यहां एक औरत का हाथ पकड़ने की? तुम जानते हैं कौन है? माफी मांगो, माफी मांगो। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
दफा जाए से। क्या हुआ विराट? यहाँ पर मानवी की कोई बेइज्जती कर रहा है, धक्के मार के उसे बाहर निकाल रहा, और तू पूछ रहा है कि क्या हुआ? बड़े दावे किए थे ना तूने विराट कि मानवी को बहुत खुश रखेगा, एक प्रिंसेस की तरह रखेगा, इस तरह रख रहा तू? देख विराट, मैं ये नहीं कह रहा कि तू मानवी से काम मत करा, कि विराट कोई ऐसा काम तो मत करने देना जिससे उसे घर के बाहर रहना पड़े 11 बजे तक, लोग उसकी बेइज्जती करें, धक्के मारे। मानवी सिर्फ तेरी पत्नी नहीं है विराट, बल्कि इस घर की इज्जत भी है, इस घर की बहू है। जीजू, जीजू, प्लीज विराट से कुछ मत कहिए, उसे इस जॉब के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तुमने मुझे बताया कि नहीं? विराट, मैं तुम्हें आज रात को बताने वाली थी। मानवी, तुमने मुझे बताया कि नहीं? विराट, देख, अब अपना गुस्सा ना तुम मानवी में मत निकाल, ठीक है? मैं अपनी बीवी से कुछ भी बोलूं, कैसे भी बात करूं, आप बीच में नहीं आओगे। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।